उसके पीछे लिखा हूँ मेरे आज का लगभग लगभग हमारा पूरा दिन हो गया है, इस पूरी यात्रा को हमने कवर किया। वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद में इस कौन सी जगह है? गांधी जो भारत जो ये था सपना आपका, आप देख ही सकते हैं पीछे भीड़ है और यही सपना हमें पूरा करना है। बहुत ही क्योंकि जो भी अंत में मैं भाई और बहनों अंत में सवाल किया वो सब उत्साह में है, सब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी की दुनिया में जो है ये भारत का भविष्य बदल सकते हैं, हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। मोदी को और सबको लोगों को जो है और उनको कौन हरा सकता है कि वो मैनेज कर रहे हैं, उनको हिंदुस्तान के दो तीन अरबपति नहीं हरा सकते हैं और हिंदुस्तान को उनको हिंदुस्तान का मीडिया को चलाने के लिए हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी जो यहाँ हिंदुस्तान का युवा जो बड़े हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले अड़ानी है अंबानी है ये लोग ही पूरे देश को पूरी मीडिया को चलाने लग रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल बीजेपी आरएसएस से क्या किया, उनके खिलाफ जो है जो एक हिंदुस्तान को बांटने का काम किया। अगर हिंदुस्तान को जोड़ना है तो पूरे हिंदुस्तान में जबकि बीजेपी ने नाता दिया एक नारा दिया था चलने से पहले मैंने सोचा था कांग्रेस मुक्त भारत कन्याकुमारी, लेकिन शुरू करने से पहले मैंने सोचा था जिस हिसाब से ये भीड़ है जिस हिसाब से लोगों में पूरे देश में नफरत आने वाला टाइम बताएगा कि कांग्रेस मुक्त मैं घबराया हुआ या कांग्रेस का भारत होगा। मगर कन्याकुमारी से जब हमारा चैनल देखते जब निकला मुझे एक बात पता लगी।